बर्बाद कर दी उसने। एक बारी जोया की शादी हो जाए। एक्चुअली मैं तुमसे माजरत भी करने आई हूँ। किस लिए? चुगताई मेरा छोटा भाई, बहुत प्यार से पाला है मैंने उसे, इसलिए चाहती थी कि रिश्ता तुमसे हो जाए, लेकिन उसने सनम से शादी कर ली। तो आप क्यों चाहती थी कि शादी उनकी सनम से ना हो? वो एक एक्ट्रेस है इसलिए, और आपको लगा कि मैं एक्ट्रेस नहीं हूं इसलिए परफेक्ट हूं? ऐसा नहीं, जितने अच्छे से तुमने अपना घर संभाला हुआ है, अपना काम संभाला हुआ है, दानिश का ख्याल भी रखती हो, मुझे लगा कि इसी तरह चुगताई को, उसके काम को, कारोबार को संभाल लोगी, हमारे घर का हिस्सा बन जाओगी और इस तरह मैं बेफिक्र हो जाऊंगी। बहुत अच्छी लड़की हो। थैंक यू, लेकिन हो सकता है शायद सनम मुझसे ज्यादा अच्छी हो, और वैसे भी मैं शादी मटेरियल हूं ही नहीं, मैं तो बस पैसा कमाना चाहती हूँ, दुनिया घूमना चाहती हूँ और हमेशा अकेला रहना चाहती हूँ। मैंने आपके सामने शर्माने की एक्टिंग की तो आपको लगा कि मैं चुगताई के लिए सबसे बेहतर लड़की हूँ। आप यकीन कीजिए, हम सब एक्टर्स हैं और हर दिन हम किसी न किसी चीज़ की एक्टिंग करते हैं, किसी के सामने अदब की एक्टिंग, किसी के सामने फरमाबरदारी की एक्टिंग, बॉस के सामने एफिशिएंसी की एक्टिंग, हम लोगों से मिलते हुए उनकी हैसियत और रिश्तों के मुताबिक एक्टिंग करते हैं। यही एक्टिंग करते करते हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन कम से कम सनम जो कुछ करती हैं सबके सामने करती हैं, किसी से छुपा कर नहीं करती, सच बोलती हैं, उनमें बहुत हिम्मत है। सनम तो सबके सामने एक जैसी रहती हैं। वैसे मेरी बातें आपको बुरी तो नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस लेक्चर से ना मुझे चिढ़ होने लग गई। जिसको देखो मुझे यही सुनाता रहता है, वो सही है, आप गलत हैं। खैर, I'm sorry। नहीं प्लीज, ऐसी बातें तो ना करें ना आप। आपको पता है मैंने भी वैसे बहुत शरारत की है, चुगताई को फजूल के मैसेजेस किए ताकि वो खुद पीछे हट जाए। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, बस चलती हूँ। आप बैठे हैं ना, दो मिनट, मैं जल्दी से कुछ लाती हूँ। प्लीज 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 प्लीज। ये तो अच्छी खासी पोलाइट सी खातून है, फिर सब क्यों इतना इनसे चिढ़ रहे हैं? मामा क्या हुआ, मुमताज ने फिर कुछ उल्टा सीधा कह दिया? नहीं, मुमताज ने तो बहुत ही अच्छी बातें की, वो क्या कहेगी, जो ताई ना गलत ही करती। मामा फिर वही, कोई गलत ही करता है तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि उसको एक्सेप्ट करने में मुश्किल क्या है। मामा अगर ईगो बीच में ना है ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और आपने तो कुछ गलत किया भी नहीं है। किया है ना गलत, भाई से और बेटों से उम्मीद लगाकर। मामा ना, मामा ची बच्चे हैं और ना रोहान भाई, आप वैसे ही इनकी टेंशन लेते रहते हैं, उनको अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने दें, आप इनकी टेंशन ना लें। चलो, फिक्र सबसे ज्यादा अपने घर की है, प्यार से घर बनाया, उसे संभाला है, हमें लगता है कि शोबिज़ की लड़कियां जो हैं ये घर बना सकती हैं। अरे मैं इंस्टा पे इंटरव्यू देख रही थी भाई, ये लड़की इंटरव्यू दे रही थी और ये ड्रामों में जो है ना एक बहुत ही नेक परवीन बहू है, और बहुत फखर से कह रही है कि मुझे तो अंडा तक उबालना नहीं आता। जिसे अंडा नहीं उबालना आता वो घर कैसे बनाएगी? मामा खुदा के लिए सोशल मीडिया देखना छोड़ दें। पाकों में ना सब कुछ खुद करना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, इस्त्री भी करनी पड़ती है, घर संभालना पड़ता है, इनसे तो शोहर नहीं संभालता फ्रेडी, ये घर क्या खाक संभालेंगी। मामा जी और सनम कौन सा हमारे साथ बाकू जा रही हैं? आप माहम और दानी के बारे में सोच रही हैं? मेरे में ना सोचने की हिम्मत ही नहीं है। चलो बस। देखो अब लग रहा है ना ढंग का कमरा,
20-20 साल पुरानी बेडशीट अभी तक यूज हो रही हैं। वो तो शुगर के दानिश के साथ जाके मैं सब ले आई। आपको कौन सा यहाँ रहना है? रहने देती जो चादरें पड़ते जैसे भी थे। मैं कहीं नहीं जा रही और अब मैं यहीं रहूंगी और पूरे घर को बदलूंगी। बीजान ने तो आपको अपने कमरे में रहने नहीं दिया, आप अपने बारे में तो सोच लें। शन्नो, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, सब समझ आ रही है मुझे तेरी चालाकियां। चल ये उठा और जाके वॉशिंग मशीन में डाल। एक मिनट शन्नो, क्या हो रहा है यहाँ? किसने कहा तुम्हें मेरी सारी चीजें बदलने को? सुबह बाथरूम में टॉवल नहीं है, मेरी बाथरूम स्लिपर्स गायब है, मुझे सब चीजें वैसी चाहिए जैसे पड़ी हुई थी। शन्नो, खबरदार जो कोई भी पुरानी चीज वापस आई तो। हालत देखो इस कमरे की, अजीब, पत्थरों के जमाने का गार बनाया हुआ है। वो किसी पिटी वॉशरूम की स्लिपर्स फेंक दिए मैंने, और वो जो नए टॉवल्स लाए हो ना वो ला के रखो। शन्नो, मैं जो कह रहा हूँ वही करो। मुझे कोई नए टॉवल्स नहीं चाहिए, मुझे अपने पुराने टॉवल चाहिए और मुझे अपनी पुरानी बाथरूम स्लिपर्स वापस चाहिए, समझी तुम? शन्नो, खबरदार जो कोई भी पुरानी फटी हुई चीजें तुम वापस लेके आई तो। शन्नो, खबरदार अगर कोई भी नई चीज मेरे कमरे में आई तो। सारी पुरानी चीजें मांग रहे हैं, तानिया भी कौन सी नहीं है। शन्नो की बात पे खुश होने की जरूरत नहीं है। कौन खुश हो रहा है? तुम्हारा दिमाग तो अब तक खराब है। जैसे आपका तो बिल्कुल ठीक हो गया, खुद को आजाद कर रहा हूँ, यही कहा था ना आपने? हाँ कहा था। तो आजाद कीजिए ना खुद को पुरानी चीजों से। मामा दंगाबली के घर गई थी अपोलोजाइज करने के लिए कि उन्होंने मामा जी की शादी की बात क्यों छेड़ी थी। मामा ने वाकई अपोलोजाइज किया है? मामा दिल की हैं, बहुत अच्छी हैं। पता नहीं आपको और मामा जी को लेके इतनी जिद्दी क्यों हो गई है। सब ठीक हो जाएगा, बस बात शायद ईगो की है। अगर ईगो की बात होती वो मुमताज से जाके अपोलोजाइज ना करती। मुझे लगता है मामा खुद अपनी ईगो से लड़ रही हैं। Let's give it time. शायद टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये मूवी बन जाए और टाइम पे बन जाए, बस। भाई टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? मैं हूँ ना यार। वैसे मेरा और माहम का भी ऑडिशन लेने, एक्टिंग स्कूल तो वैसे भी आप खोल रहे हैं। चल भाग यहाँ से। जवाब ही नहीं देते, लेकिन वो तो खुद मुझसे माफी मांगने आई, मुझे बड़ी हैरत हुई। तो आप इस इंतजार में थी कि वो आएंगी तो आप उनको मना करेंगी, और खुद मना करने की बजाय आप मामा जी को हरास करती रही। हाँ काफी गलत किया मैंने उनके साथ। आप ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अभी आप मुझे भी कोई लेक्चर देने वाली हैं? नहीं, बस तुमसे मैं ये कहूंगी कि अपने आप को जिंदगी में कभी किसी ऐसी सिचुएशन में मत डालना जिसमें तुम्हें बाद में पछतावा हो या फिर माफी मांगनी पड़े, समझे? आप ही मुझे कुछ नहीं होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी जी बिल्कुल। नहीं नोश नोश, सही है मैं आ जाता हूँ। आधा घंटे जी, आधे घंटे तक आ जाओ। ओके, खुदा हाफिज़। एहसान अंकल। बेटा अब तुम्हारा माफी मांगने वाला एपिसोड शुरू, चलो। माफी यार, आप भी। सलाम अलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है तुम्हारे? बिल्कुल ठीक अंकल, आप कैसे हैं? भाई तुम तो कुछ ज्यादा ही ठीक हो गए हो। तुम्हारी सिनेमा की रेनोवेशंस कैसी जा रही हैं? बहुत अच्छा जा रहा अंकल, ईद पे नई फिल्म के साथ ग्रैंड ओपनिंग होगी। अरे माशाल्लाह, दानिया भी फिल्म बना रही है, तुम्हारे सिनेमा में प्रीमियर करेंगे। हाँ, जबरदस्त। दादो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटे? बिल्कुल ठीक ठीक। हाँ जी बताए इसको। हाँ मैंने इसको बता दिया कि दानिया फिल्म बना रही है और प्रीमियर तो इसी के सिनेमा में होगा। अच्छा दानिश, तुमसे एक बात करने वाली, वादा करो कि तुम मना नहीं करोगे। दादो मैंने आज तक आपकी किसी बात से इंकार किया जो मैं अब करूंगा? हाँ अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अब भी नहीं करोगे? दादो ऐसा मुमकिन नहीं है,
अगर नामुमकिन हुआ भी तब भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मायूस ना करूं। अच्छा ऐसा है कि हम चाहते हैं कि दानिया की फिल्म में तुम एक्टिंग करो। एक्टिंग? एक्टिंग? अब बेटा दानिश तुम ये कहोगे कि एक्टिंग तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी, ये एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। अंकल बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने कभी स्कूल कॉलेज कहीं भी एक्टिंग नहीं की। आप दानिया से पूछ सकते हैं हाउ बैड आई एम। अच्छा तुम इसकी फिक्र मत करो, हम तुम्हें एक ऐसा एक्टिंग कोच देंगे जो तुम्हें बिल्कुल ट्रेन कर देगा। मामी तुम्हें, तुम कह चुके हो कि तुम मेरी किसी बात पर इनकार नहीं करोगे। दादू मुझसे ये नहीं होगा, ये बात सुनते आप देख सकते हैं मेरे माथे पे कैसे पसीना आना शुरू हो गया। अंकल तुम दानिया स्क्रिप्ट पढ़ के देख लो, बहुत आसान है, तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। लगता है दानिया ने कैरेक्टर तुम्हें देख के लिखा है। ओके अंकल मैं पढ़ के देख लेता हूँ। बस ठीक है, कल हम तुम्हारा ऑडिशन करेंगे और फिर फैसला कर लेंगे, डोंट वरी। व्हाट? ऑडिशन? दादू रिलैक्स बेटा। शुक्र है यहाँ पे तुम्हें स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट को आराम से पढ़ सकता हूँ। घर पर तो सारा वक्त ये टेंशन लेती है कहीं मामा ची ना आ जाए। वैसे एक बात है, सारे खानदान को तो आपने कास्ट कर लिया सिवाय मेरे और बीजान के। रोहान तुमने अपनी मामा को बताया कि तुम एक्टिंग कर रहे हो? उनको बताने का सवाल ही नहीं पैदा होता, उनसे छुप कर करना होगा ये सब। तुम लोग फिल्म बना रहे हो या सबकी बैंड बजाने वाले हो? मामा ने तो पहले डिसाइड कर लिया, वो मामा जी को घर से बाहर निकालने वाली है। और जब उन्हें पता चलेगा कि भाई इस मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर फटेगा पहला बम। और जब उन्हें पता चलेगा कि दानिया इस मूवी की हीरोइन है तो फिर फटेगा एटम बम, तो हम दोनों के पास कहीं भी रहने की जगह नहीं बचेगी। अगर ऐसे हुआ तो तुम दोनों मेरे घर शिफ्ट हो जाना। अभी तो मामा को दादा के बारे में भी नहीं पता। प्लीज डोंट टेल मी। दादा भी इसमें एक्टिंग करेगी? भाई ऐसा करो एक खानदानी कब्रिस्तान बनवा ले, मूवी तो नहीं बनी। फ्रेडी हमने बिल्डर से मीटिंग रखी थी। उफ, चलो आओ जल्दी करो। ओए हाँ चलो चलो चलो। ओए बताना तो पड़ेगा कभी ना कभी। हाँ वैसे बड़े रोमांटिक डायलॉग लिखे हैं तुमने हम दोनों के, रिहर्सल करें? ओके सीन नंबर 9 पेज 12। पेज 12? या ओके परफेक्ट। चल रेडी? मुझे जाना है। तुम जाओगी तो मेरी जान तुम्हारे साथ जाएगी। अपू इंतजार कर रहे होंगे। और मैं? मेरे इंतजार की फिक्र नहीं तुम। देखो मेरी आंखों में तुम्हें इंतजार की शमाएं जलती नहीं दिखाई देती। इन पहाड़ों में गूंजती मेरी धड़कनें सुनाई नहीं देती। अब सीन खत्म। हाँ सीन खत्म। अच्छा मुझे घर ले जाओगे? मुझे एक्चुअली घर जाओ। ओके चलें। चल माम मैं सोच रहा था आज हम मीटिंग कैंसिल करके लंच पे ना चले। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे बीच में कोई विलन नहीं है और तुम्हारे होते हुए उसकी कोई जरूरत नहीं है। है ना कितनी अच्छी बात है। खुशनसीब था दंगा बली जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई। अच्छा इन खुशनसीबों में फिर तुम अपना नाम भी डाल सकते हो। अब नहीं नहीं मैं खुश हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल। वैसे ये कैरेक्टर स्केच तो काफी अच्छा है, आई थिंक तुम आराम से कर लोगे। आप कैसी बातें कर रही हैं? सेल्फी लेते हुए तो मेरा हाथ कांपने लगता है।
और आप कह रही हैं मैं कैमरे के सामने एक्टिंग करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता, और उस रोहान की डायरेक्शन में। हाँ तो मना कर दो, लेकिन फिर जितने नंबर तुमने एहसान अंकल और बीजान के सामने बनाए हैं ना, उन सब पे पानी फिर जाएगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि जितनी मैंने प्लानिंग की थी वो सब बर्बाद हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, अम्मी कहा करती थी कि अगर छछुंदर गले में फंस जाए ना तो ना निगला जाता है ना उगला जाता है। आप ही कम से कम आप तो मुझ पे नाज़ है यार। वैसे आई थिंक यू शुड डू इट, क्या पता तुम हिट हो जाओ। हिट? माफ कर दें आप ही मुझे, अब सिर्फ एक ही तरीका है, ना ये मूवी बनेगी और ना इसमें कोई एक्टिंग होगी। रुको रुको रुको, तुम क्या करने वाले हो? किसी तरह समीरा आंटी को बात बतानी है कि दानिया इसमें की हीरो। फजूल बातें मत करो और कोई फजूल हरकत भी मत करना। मैं पहले ही कह चुका हूँ ना, ना मैं दानिया और रोहान की शादी होने दूंगा और ना उनकी फिल्म में एक्टिंग करूंगा। अगर इतनी हिम्मत थी तो दादू और अंकल एहसान के सामने कहते ये बात, बुजदिलों की तरह पीठ पीछे वार क्यों कर रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम लूजर्स की तरह ऐसी हरकत कर सकते हो। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें देखकर। देखो दानिश, मुझे लगता है कि तुम ये सब गुस्से में कह रहे हो, तुम ये सब करना चाहते हो लेकिन करोगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस किस्म के आदमी नहीं हो। हाँ तो मैं नहीं हूँ ऐसा आदमी, लेकिन अब मुझे ऐसा ही बनना पड़ेगा। हो गई मुझसे गलती, ना मुझे अब्बू की बात माननी चाहिए थी ना अंकल एहसान की। जब उन्होंने मुझसे रोहान और दानिया की मंगनी की बात की थी तो मुझे उनको कह देना चाहिए था कि मैं दानिया से। बस दानिश, वो वक्त गुजर गया, तुम इस रिग्रेट के साथ तो अपनी जिंदगी गुजार लोगे लेकिन उस घटिया हरकत के बाद गिल्ट में एक दिन भी नहीं जी पाओगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आप भी, ना उनकी मंगनी, ना उनकी मूवी में वो कैरेक्टर और ना रोहान और दानिया की शादी। बेहतर क्या है दानिश, बर्दाश्त करना, उनसे दूर हो जाना या सबकी नजरों में गिर जाना? चॉइस इज योर्स। मैं लेकिन हर सूरत में दानिया और उसकी इस मूवी को सपोर्ट करूंगी, चाहे तुम इसका हिस्सा बनो या ना बनो। देखो मैं तुमको फिर से कह रहा हूं कि ऐसा मत करो। तुम्हारा घर दानिया और रोहान की शादी की वजह से टूटे ना टूटे, तुम्हारी जिद की वजह से जरूर टूट जाए। यानी कि मेरे तवक्को के अन मुताबिक आप मेरे साथ उनके घर नहीं जा रहे हो? मैं अकेली जाऊंगी? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और कम से कम तुम रोहान को तो बता दो कि तुम करने क्या जा रही हो। बार बार बताना जरूरी नहीं है, एक बार बता चुकी हूँ। खान खुदा का वास्ता यार, ये कोई टाइम है बीच पे जाने का? वो सामने देखो, वहाँ पे हम दोनों गाना गाते हुए कितने अच्छे लगेंगे। बहुत ही अच्छे छोरे लगेंगे। क्यों? क्या मतलब क्यों? सोचो, मैंने पहनी होगी शिफॉन की ऑरेंज कलर की शर्ट, वाह 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 वाह, उसमें व्हाइट पैंट, ओह, और तुमने पहनी होगी ऑरेंज कलर की लॉन्ग ड्रेस, वाह। और पता है क्या होगा? इमेजिन दिस, मैं बहुत दूर से भागती हुई आ रही हूँ, मेरी जुल्फें लहरा रही है हवा में और मैं भागते भागते गिर जाऊंगी और जो ही मैं गिरूंगी मैं पलटा खाऊंगी और तुम मेरा हाथ पकड़ लोगे। ये क्या है? गाड़ी रोक। ये माना है। ओह सॉरी। थोड़ी हेल्प की जरूरत होगी। मैं ओह सॉरी सॉरी। हो रहा है? एक सेकंड, आई एम ट्राइंग। टेक योर टाइम। हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, गॉट इट। Okay. This is pretty. ये पेंडेंट उस अंगूठी से कहीं ज्यादा अहम है।
जो हमने महज एक डील के खातिर पे नहीं थी। और अगर ये पेंडेंट मैंने तुम्हारे गले में ना देखा तो मैं मर जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो रोहन, मर जाऊंगा। दानिया, इस डूबते सूरज की कसम खाओ कि अगर कायनात भी हमारी दुश्मन बन जाए तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। दानिया, मामा कुछ भी करें, अंकल एहसान कुछ भी कहें और वो थंगाबली कुछ भी करें, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। रोहन, मुझे तुम। हाँ कहो, मुझे तुम। मुझे कौन? मुझे तुम। और दादू का मैसेज आया, कुछ इम्पोर्टेंट होगा। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। दानिया कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ, रुहान की मम्मी आई हुई है। रुहान, तुम्हारी मम्मा? तुम्हारी मम्मा घर पे आ गई है। We have to go. भाई साहब, आपको पता तो होगा कि मैं क्या बात करने के लिए आई हूँ। भाभी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आप क्या बात करने आई हैं। मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, ना आपको बातों में उलझाना चाहती हूँ, ना ही खुद उलझना चाहती हूँ। सनम और चुखताई का इस तरह भागकर शादी करना, इस बात ने मेरे खदशात को यकीन में बदल दिया। मेरे ख्याल से आपके ख्यालात, आपके घर का माहौल हमारे ख्यालात और हमारे घर के माहौल से बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए दोनों खानदानों को आगे तकलीफ और मुश्किलात से बचाने के लिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये मंगनी खत्म कर दूं। भाभी, हम भी बगैर किसी बहस और दलीलों के बात करेंगे। सनम और चुताई ने जो भी किया वो उनका अपना फैसला था, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। और वैसे भी सनम और चुगताई दोनों बालिग हैं और उन्होंने जो भी किया है उनका हक है उनके पास, मजहबी तौर पे भी और शरई तौर पे भी। अब मंगनी तोड़नी है या रखनी है, शादी करनी है या नहीं करनी, इसका फैसला वो खुद करेंगे। मगर उनका जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल होगा, ना हम उनके किसी भी फैसले में दखल देंगे और ना ही उन्हें फोर्स करेंगे। और आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना अगर कोई आपको एडल्ट्स के राइट्स के बारे में तालीम दे? हमारी तरफ से इस मंगनी को खत्म समझिए। हमारी का लफ्ज गलत इस्तेमाल किया है आपने। आप यूं कहिए कि मैं और सिर्फ मेरी वजह से ये मंगनी टूट रही है। वैसे भी वोट तो मेजोरिटी का होता है ना, एक हाथ के बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और महज़ब लोग जो होते हैं ना, वो इख्तलाफात होने के बावजूद अपने रिश्ते कायम रखते हैं। मुनासिब होगा कि आप हमें मेहमान नवाजी का मौका दें, मैं आपके लिए चाय मंगवाऊं? मंगनी के साथ सारे रिश्ते भी खत्म करके जा रहे हैं, और बेहतर तो ये होगा कि पुरानी दोस्ती रिश्ते की खातिर दोनों खानदान आपस में वास्ता खत्म करते हैं। ना हमारे घर से आपके घर में कोई आएगा, ना आपके घर से हमारे घर में कोई कदम रखेगा। खुदा हाफिज़। I'm so proud of you, my बहू। Thank you। कितने अच्छे तरीके से तुमने अपने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मम्मी, कौन से दांत खट्टे करने के? वो तो ऑफिशियली मंगनी तोड़ गई है। क्या टूटेगा क्या नहीं, वो सिर्फ रोहान और दानिया डिसाइड करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई भी बेवकूफाना फैसला नहीं करेंगे। अब वैसे भी उनकी तरफ की मंगनी की अंगूठी तो अभी हमारे घर में है, सो 50% मंगनी इज स्टिल बरकरार। ओके, एग्जैक्टली। चलो सुनो, समझे? Thank you.
मामा वाकई मंगनी तोड़ रही हैं। तो उसमें हैरान होने वाली कौन सी बात? मैंने कहा था ना पहले भी कि मैं मंगनी तोड़ दूंगी। मैंने ये नहीं कहा था कि आप वाकई मंगनी तोड़ देंगे। मैंने बार बार कहा था कि हमारे घर में सिर्फ एक फिल्मी बहू आ सकती है, सो आ गए जबरदस्ती ही सही। मामा अंकल एहसान और तानिया आंटी आपकी बात मान गए? माने ना माने से क्या फर्क पड़ता है, मैं साफ साफ कह आई हूँ उनके घर से हमारे घर में कोई नहीं आएगा और हमारे घर से उनके घर में कोई कदम नहीं रखेगा, दैट्स इट। ये बात तुम पहले भी कह चुकी हो और इसका नतीजा भी देख चुकी हो। तुम्हारे अलावा हम सब उनके घर जाते रहे हैं। पहले मंगनी बरकरार थी, अब मंगनी टूट चुकी है और सुलह की कोई गुंजाइश या इम्कान नहीं है। और हाँ, अगर कोई मेरी बात के खिलाफ अर्जी करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। जेम्स, क्या अब क्या करने लगी हो? जेम्स जी, आप बेगम चुप रहिए। के कमरे से सारा सामान निकाल के बाहर रख दो, कमरे को ताला लगा दो और चाबी मुझे दे। वो तो वैसे ही घर में नहीं रहते और आपके सोने के बाद ही घर में आया करते हैं। तो अब सोने भी नहीं आएगा, है कहाँ वो? बाहर कहीं आपके सोने का इंतजार ही कर रहे होंगे। गेट पे ताला लगा दो, जाओ। मामा, आप वाकई मामा जी को घर से निकाल रही हैं? तुम्हें क्या हो गया? उसकी शादी हो चुकी है, वो जब भी चाहे तो अलहदा घर भी ले सकता है। तो ले ले अलहदा घर, रखे उसकी बीवी उसका ख्याल। रिश्ते कभी एक जानब से नहीं टूटा करते मामा। आपके कहने से ना मामा जी रिश्ता तोड़ेंगे ना मैं, वो भी इसी घर में रहेंगे और मैं भी, सनम जी भी और दानिया भी। खाली आज ना मैंने बिल देना है, तूने नहीं देना। खाले सनम जी, मुझे आपा की याद आ रही, हमारी वजह से रुहान और दानिया का मसला बन गया ना, पता नहीं अब उनका क्या बनेगा। साफ साफ क्या, तुझे मैं का याद आ रहा है? तू रुहान और दानिया की फिक्र ना कर, तुझे क्या लगता है मैं तुझे डोली में बिठा कर रुखसत करूंगी? मैं तो मजाक कर रही हूँ आपा को धमकाने के लिए। जब तक रुहान और दानिया का मसला सॉल्व नहीं होता ना, मैं आपा को डराती रहूंगी कि मैं बारात लाऊंगी और तुझे डोली में बिठाऊंगी और इंस्टाग्राम पे रीले डालती रहूंगी। ये है मेरा प्लान, ज्यादा फिक्र विक्र मत कर, चल खाना खा। आज ना मैंने तुझे घर छोड़ना है, चल शाबाश खाना खा ले, वरना ना मैंने अपने हाथों से सबके सामने तुझे कितना तू बेशर्म है। मुझे नहीं समझ आती नेहा, इतनी रिजिड मेंटालिटी और बिहेवियर के साथ जिंदगी कैसे गुजरती है? कम ऑन दानिया, तुम्हें रुहान के साथ जिंदगी गुजारनी है ना। देखो आई नो दैट, बट फैमिली बहुत मैटर करती है यार। उसकी मामा की जो सोच है वो, दुनिया रुहान से शादी के बाद उसको हाथ पकड़ के घर तो अलग नहीं कर लेगी। नहीं, आई एम श्योर दानिया अपने रवैये और सलूक के साथ सवेरा आंटी का माइंड चेंज कर देगी। बिल्कुल, अगर मेरी सोच बदल सकती है तो सवेरा की क्यों नहीं। मैं भी पहले सवेरा की तरह ही सोचती थी, अब देखो। इनफैक्ट पहले मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम खोल के उल्टे सीधे गॉसिप्स पे यकीन कर लेती थी, लेकिन दो दिन रही हूँ मैं दानिया के साथ और देखो मेरी सोच बदल गई। लेकिन मुझे लगता है अब सवेरा तुम्हारी फिल्म नहीं बनने देगी। जिस तरह वो सारे ताल्लुकात खत्म कर कर गई है, I don't think so. नहीं, फिल्म तो बननी चाहिए। देखिए, इस सब का हमारे काम से कोई ताल्लुक नहीं है। Unless of course रुहान बैक आउट कर जाता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिल्म तो बननी चाहिए। नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह है। पता है मैंने भी कितने मुश्किल वक्त में अपनी मेडिसिन की पढ़ाई कंप्लीट की है, एंड आई एम श्योर तुम्हारी फिल्म जरूर कंप्लीट होगी।
चल, हम अपनी फिल्म जरूर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी क्या बात पक्की करेंगे, खुद छुपते फिर रहे हैं। इन भाई कुछ तो एहसास करें, उनकी भी तो कंडीशन देखें। आप खुद मामा से क्यों बात नहीं कर लेते? मैं खुद बात करूंगा, जैसी मौका मिलता है खुद बात करूंगा। बिल्कुल भी नहीं, जाहिद को भेजो उनके पास, मैं भी कॉल करती हूँ उन्हें, और अगर थोड़ी सी भी टामा टोल करे ना तो मुझे बताना, बिल्कुल जाके ठीक करूंगी उन्हें। तुम काम करती रहो, मैं तो सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहने आया था। किस बात का? तुमने सवेरा भाभी को बिल्कुल सही हैंडल किया। एक और बार भी तुमसे करनी थी, स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट माहौल में वो गुजारा नहीं कर सकेगी उनके साथ। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो हमें ये मंगनी तोड़ देनी चाहिए। आपके पास इमोशनल अटैचमेंट की कोई वैल्यू है? जो आपने मेरे साथ किया सो किया, अब क्या अपनी बेटी के साथ भी करना चाहते हैं? मैं जो गलतियां कर चुका हूं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं। कुछ महीनों की अटैचमेंट है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। सारी जिंदगी का दर्द बर्दाश्त करने से बेहतर है कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर ले दानिया और खत्म करे इस किस्से। कमाल है आपकी सोच पर। इंसान में फीलिंग्स और इमोशंस का स्विच होता है ना, अगर ऑन एंड ऑफ तो आसान हो जाता, लेकिन आपके पास तो फीलिंग्स ही नहीं है, स्विच का क्या सवाल? तुम ताने देना बंद करोगी? मैं ताने नहीं दे रही हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ। क्या चाहते हैं? इस चीज से आप गुजरे, मैंने भुगता, आप चाहते हैं कि दानिया भी वही सब भुगते? मैं नहीं चाहता दानिया भुगते, इसीलिए मैं चाहता हूँ इस मंगनी का खत्म हो जाना बेहतर है। मैं बदल गई और शायद वो सवेरा भी बदल जाए, लेकिन आप, आपके बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। थोड़ी हेल्प की जरूरत होगी। ओह सॉरी सॉरी।